स्वागत है बच्चों आप सभी का माँ अशोकवनी के संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 19 तोतावली का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमें जो आगे पढ़ा था उसका क्या करेंगे? पुनरावर्तन, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे हमने क्या लिखा था कि जो तोता है वो इंद्र से बातें बता रहा है, यानी कि जो इंद्र है वो उससे कह रहा है कि तुम इसे पूरे वन में से सूखे पेड़ पर क्यों रहते हो, यानी कि पूरे वन में इतने बहुत सारे पेड़ हैं तो तुम इस पेड़ पर क्यों रहते हो। तब इंद्र से ये सब बातें तोता बता रहा है कि यह पेड़ पर तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत ही प्रिय था, इन सबको इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज, आज यह पेड़ बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म यही उसी समय हुआ था जब उसकी शोभा निराली थी। बचपन से ही मेरा पेड़ पर लगभग रहा है, ये सब बातें है वो इंद्र से बता रहा है, इसीलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। और वो क्या बता रहा है कि यह इस पेड़ की आनंद में छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और जिम्मेदार तोता बना हूँ, यानी इसी पेड़ के कारण मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरी जिम्मेदारी बना हूँ। यह पेड़ जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था, यानी कि ये सब बातें इंद्र से बता रहा है तोता कि मैं इस पेड़ की वजह से ही ये सब बोलना और उड़ना सब कुछ मैंने सीखा है। यह पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है और मेरे सुख दुख में यह सदा मेरा साथ दिया है, मेरे मुझको बहुत ही काम आया है। और क्या बता रहा है तोता कि कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी क्या आया और उसने इस विष में कुछ बार से इस पेड़ को ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ की आफत आ गई और इसके कारण तब से पेड़ दिन प्रतिदिन सूखा जा रहा है। यानी कि वो इंद्र से क्या बता रहा है तोता के इसके कारण ही ये पेड़ है वो दिन प्रतिदिन वो सूखा जा रहा है। और क्या बताया था कि अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा, यानी कि वो तोता वो इंद्र से क्या बता रहा है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि इस पेड़ से सूख जाने के कारण मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। अब हम आगे का आगे अभ्यास करेंगे। बचपन के साथी को तज कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति पा सकता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊं। यानी कि तोता क्या बता रहा है कि इस पेड़ से मेरा बचपन से ही साथ रहा है, अब इसके पूरे दिनों में मैं इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ, यानी कि इस पेड़ के पूरे दिन में, यानी कि अब पेड़ सूख जा रहा है और एकदम बुढ़ा जैसा हो गया है, यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति नहीं मिल सकती। यानी कि तोता इंद्र से क्या बता रहा है, इस पेड़ को छोड़कर जाऊँ तो भी मुझे सुख संतोष और शांति कहाँ कहीं भी मिल सकती नहीं है। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके सुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ में मेरा अवसान हो जाए। यानी कि तोता क्या सोच रहा है कि इसके साथ में मेरा भी अवसान में हो जाए और मैं इसका ही साथी बनूं और इसके साथ रहे कर मैं सुख में इसका सहभागी बनूं। आगे देखते हैं। दंग रहे गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन, माँ तुरंत वर को भी मुझसे पूर्ण करेगा मैं इस ही सब। यानी कि यहाँ तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए, यानी कि ये सब बातें सुनकर इंद्रदेव दंग हो जाते हैं। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत ही
हुए तुता से क्या कह रहा है कि तुरंत कोई वर तू मांग ले, मैं तुरंत ही इस समय पूरा कर दूंगा, ऐसा वो तुता से मतलब बता रहे हैं। आगे देखेंगे। तब तोता क्या बोलता है, तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यही सरोवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं मस्तु और तरु ने फिर नव जीवन पाया, शोभा नहीं निराली सुंदरता लेकर यह फिर लहराया। यानी कि तोता क्या, तोता ने क्या कहा, हे देवता मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है, यह पेड़ सारे मन की शोभा रहा है पर अब यह सूख रहा है। यानी कि मेरे जीवन की यही अभिलाषा है कि यह पेड़ सारे मन की शोभा रहा है लेकिन पर अब यह सूख रहा है, कृपा करके आप इस हरा भरा कर दीजिए। यानी कि वो इंद्र से क्या बता रहा है कि आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा तथास्तु और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। यानी कि वो क्या बता रहा है कि पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उसमें नई निराली और सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। यानी कि फिर भी पेड़ में क्या हुआ, नई निराली और सुंदरता आ गई और वह फिर भी पेड़ क्या करने लगा, लहराने लगा। यानी कि वो अच्छा पेड़ हो गया, यानी कि वो बहुत ही सुंदर पेड़ हो गया। यानी कि जो तोता है वो उस पेड़ पर उसको बहुत ही लगाव था और वो पहले से उसको साथी बना था, उसकी बहुत ही काम आया था, इसलिए वो उसको कभी भी भूल नहीं सकते, इसलिए उसमें वो उसके दुख में वो साथी बनना चाहता है, उसके साथ ही रहना चाहता है। और क्या देखा कि तोता है वो क्या कहता है कि मैं इस पेड़ के साथ ही मेरा अवसर हो जाए, लेकिन इंद्र है इन सब बातों से वो प्रसन्न होते हैं और वो उसको बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फिर उसको नया पेड़ में जीवन मिलता है। इंद्र ने कहा कि तथास्तु पेड़ में फिर भी नया जीवन आ जाएगा, वो ऐसा वो आशीर्वाद देते हैं, फिर उसमें नई निराली आती है और फिर भी गहरा भी लगता है। यानी कि इन सब बातों से वो इंद्र है बहुत ही खुश हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों हमने इतना का अभ्यास किया, थैंक यू। बच्चों ये स्वाध्याय कार्य अपनी पक्की बुक में लिख देना। थैंक यू।